ऐसा एक केस आया है दिल्ली में जिसमें एक 2 साल के बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हुआ है लॉन्ग कोविड की वजह से, MIRC। जी बिल्कुल, वेरी वेरी स्कैरी, वेरी वेरी स्कैरी सईद। और डरावने वाली ये भी बात है कि पेरेंट्स को पता नहीं था कि ये बच्चे को कोविड हुआ होगा कभी। डॉक्टर्स ने एंटीबॉडीज के द्वारा पता किया कि बच्चा कोविड से इन्फेक्टेड होगा, और उसके बाद में इस बच्चे को MIRC देखा गया है। 3 बार इस बच्चे की डायलिसिस हुई है, और मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, MIRC, जिसकी कल हमने बात की। जी बिल्कुल, डॉक्टर रवि मलिक से बहुत हमने डिटेल में इससे बात की थी, बात की, और आज हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़े हैं उन्होंने इस बच्चे को ट्रीट किया है, तो आप जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लें हमारे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर हसन, आप दोनों का आज तक पर बहुत स्वागत है हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्नेहा की जो स्टोरी है डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर हसन, वो हमें इसलिए बहुत ज्यादा डरा देती है कि लॉन्ग कोविड अब बच्चों पर असर कर रहा है, और ये छोटे से 2 साल के बच्चे को अगर कार्डियक अरेस्ट होता है तो ये बहुत बहुत ज्यादा स्कैरी है, डरावना है, और हम सबको बहुत ज्यादा परेशान भी करता है। हम आप दोनों से बात करें उससे पहले हम चाहेंगे स्नेहा कि आप इस बच्चे की क्या खबर है, कैसे पता चला कि इसे लॉन्ग कोविड की वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ है, अब ये बच्चा कैसा है, प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर डॉक्टर से बात कीजिए। जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर हसन को भी इसमें लाना चाहूंगी, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी, क्योंकि आकाश हॉस्पिटल जो द्वारका में दिल्ली में हॉस्पिटल है, वहां से ये खबर आई थी कि 12 दिन के लिए इस बच्चे को हॉस्पिटल में रखा गया, और ये जब आया था बच्चा ये यूरिन नहीं पास कर रहा था। जी, जी। और जैसे डॉक्टर हसन ने हमें अभी कुछ ही समय पहले हमारे सिस्टर चैनल इंडिया टुडे के डिजिटल बुलेटिन में बताया कि वो बच्चे की हालत काफी बिगड़ी हुई थी, और उन्होंने एंटीबॉडीज की जो टेस्ट होते हैं ये देखने के लिए कि कोविड एंटीबॉडीज एक इंसान में है कि नहीं, उससे पता किया कि बच्चे को कोविड था, लेकिन इनके इस बच्चे के पेरेंट्स को बिल्कुल पता ही नहीं था, हो सकता है कि वो एसिम्प्टोमेटिक होगा क्योंकि बच्चे जाहिर है। तो ये कब पता चला कि उसे कोविड है, बाद में जब डॉक्टर हसन की टीम ने, जी, और डॉक्टर हसन की टीम ने एंटीबॉडीज की टेस्ट की। और डॉक्टर हसन, सईद को और हमारे व्यूअर्स को जरूर बताइए कि ये कैसा केस था, आपने जैसे हमें समझाया अभी किस स्थिति में इस बच्चे को, 2 साल का बच्चा था बेचारा, लाया गया था आकाश हॉस्पिटल में। थैंक यू। देखें, ये बच्चा हमारे यहाँ इमरजेंसी में आया था। बेसिकली इस बच्चे को खांसी, बुखार और थोड़ा सा सांस की तकलीफ में बच्चे को इसके पेरेंट्स एक बराबर कोई जो करीब का इसके हॉस्पिटल था वहाँ ले गए थे, बट एक दिन में बच्चा डिटेरिएट करने लगा तो पेरेंट्स वहाँ से छुट्टी लेकर हमारे पास ले आए। बट अनफॉर्चुनेटली जब हमारी इमरजेंसी में बच्चा पहुँचा तो बाय दैट टाइम वो सडनली कार्डियक अरेस्ट हो गया उसको, और ही हैड नो हार्ट बीट। तो इमिजिएटली हमारी जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम्स ने इस बच्चे को रेसस्टेट किया, और रेसस्टेट करके स्टेबलाइज करके फिर हम इसको ऊपर अपने इंटेंसिव केयर में ले गए, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर। जी, और वहाँ फिर हमने ये जानने की कोशिश की कि ये ऐसे अरेस्ट में क्यों चला गया बच्चा, सडनली व्हाट हैपेंड। तो पेरेंट्स के पास कोई क्लू नहीं था, उन्होंने कहा बच्चा तो हमारा बिल्कुल ठीक था, अभी तो 3-4 दिन से बीमार है। तो फिर हमने इनका, क्योंकि कोविड में ऐसा हो सकता है, हमने कोविड एंटीबॉडीज और एक्यूट फेज रिएक्टेंस जो CRP फेरिटिन वगैरह कराए, और इनका क्योंकि कार्डियक अरेस्ट हुआ था तो कार्डियक प्रो BNP वगैरह भी सब करा लिया, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज इनकी कोविड की निकली, और इनके एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स भी काफ़ी बढ़े हुए थे। और बच्चे का फिर हमने एकोकार्डियोग्राफी जब किया तो बच्चे का कार्डियक फंक्शन भी बहुत अफेक्टेड था, और इजेक्शन फ्रैक्शन सिर्फ 25% था। तो बच्चे को इमीडिएटली हमने वेंटिलेटर पे तो रखा ही, उसके साथ साथ बच्चा एक्यूट रीनल शटडाउन शो कर रहा था, किडनी फंक्शंस बहुत डीरेंज थे, इनका कोएगुलेशन प्रोफाइल भी बिगड़ा हुआ था, तो सभी चीज़ का मैनेजमेंट किया, यहाँ तक कि इनको डायलिसिस भी रखा। वी लकीली हैव अ पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट विद अस, तो इमीडिएटली ये सब किया गया। और एक हमने एक नई मोडालिटी इसके लिए यूज़ करी, जब हमने देखा इनका ब्लड प्रेशर नहीं ऊपर आ रहा था डिस्पाइट आयनोट्रोप थेरेपी, तो हमने साइटोसॉर्ब एक नई चीज शुरू की गई है जो अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन एक लास्ट चांस था बिकॉज वी वर अफ्रेड ऑफ लूजिंग दिस चाइल्ड। तो हमने साइटोसॉर्ब की थेरेपीज को दी डायलिसिस के साथ, एंड देन वी फाउंड द चाइल्ड रियली शोड अ रिमार्केबल इंप्रूवमेंट इन 24 टू अबाउट 36 आवर्स।